ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाइयों और उनकी बहनों, आ चुके हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज एक बहुत बड़ा उलटफेर जो हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड में, उसकी हम लोग बात करेंगे, जो कि है अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, जो कि वर्ल्ड कप की एक फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन बुरी तरीके से हरा दिया। छोटे मार्जिन से भी नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से हराया है, जो कि 65 रन का है, जो कि छोटा मार्जिन नहीं है कहीं से भी। तो इतना बड़ा उलटफेर देख के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। आपका रिएक्शन क्या था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी मैच की आज हम लोग डिटेल में एकदम बात करेंगे। तो मैं हूँ अभय, आ चुके हैं अपने चैनल ADH अभय एडिट्स में। तो बस इंट्रो लगाते हो, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा। हुआ कुछ ऐसा कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन दिया, तो अफगानिस्तान की तरफ से जब बैटिंग करने आए तो गुरबाज ने तो एकदम धागा ही खोल दिया उनका। गुरबाज ने तो इंग्लैंड का इंग अलग और वो अलग कर दिया, ठीक है समझ। तो इन्होंने सब कुछ उनका खोल के रख दिया। बहुत मारा 57 बॉल पे 80 रन की पारी खेली है, इतना खोल दिया उनको। और मैं तो सोचा सेंचुरी मिस कर गया वो रनआउट के चक्कर में, वरना उनकी सेंचुरी भी हो जाती। और उनकी तरफ से इकरम अलखिल बहुत अच्छा खेले, जिन्होंने 50+ स्कोर मारा। तो उन इन दोनों और बीच में छोटी छोटी पारियों की मदद से ये लोग पहुँचे 284 के स्कोर पे पहुँच गए ये लोग। उसके बाद इनकी बॉलिंग कार्ड की बात करें इंग्लैंड के हम लोग, तो इंग्लैंड के बॉलिंग कार्ड में आदिल रशीद ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। क्रिस वोक्स हैवी साबित हुए, मतलब उनके रन काफ़ी पड़े लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। जो रूट, जो एक तरीके से कह सकते हैं थोड़े 4 ओवर उन्होंने डाले, उन्होंने भी एक विकेट ले लिया। लियोन लिविंगस्टन ने भी एक विकेट ले लिया और मार्क वुड को भी विकेट मिल गया। तो ये था इंग्लैंड का बॉलिंग कार्ड और अफगानिस्तान का बैटिंग का शॉट बता दिया। इसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आई तो उनकी बैटिंग में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था शुरू में। तो मुझे ये नहीं समझ में आता जॉनी बेस्टो कैसे आउट हुए, मुझे ये कोई समझाए ज़रा। जॉनी बेस्टो का मतलब बॉल कहाँ जा रही और वो अंपायर्स कॉल कहाँ लग रहा, मतलब कुछ भी हो रहा है ना क्रिकेट में। उस टाइम स्टीव स्मिथ का कुछ अलग ही मैटर था ऑस्ट्रेलिया वाले में, यहाँ जॉनी बेस्टो का अलग मैटर है। और एक तो ये बेन स्टोक्स भैया क्या हो गया, ये खेल गए नहीं रहे हैं, क्योंकि ये नहीं खेल रहे तो इंग्लैंड वाले बिल्कुल बिखरे हुए लग रहे हैं। जब तक ये नहीं खेलेंगे तब तक इंग्लैंड वाले बिखरे रहेंगे। ऋषि सुनैक जो कि वहाँ के PM है, उनको भी बुरा लग रहा होगा कि साला इंडिया का मैच तो देखने जा रहे हैं पर साला हार ना जाए उनकी टीम, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट तो ये टिक ही नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान को नहीं हरा पाए तो इंडिया को क्या हरा पाओगे यार तुम। पैसा बर्बाद। चलो जॉनी बेस्टो के आउट होने के बाद आज जो रूट जो कि जिनको मुजीबुर रहमान ने बोल्ड मार दिया। मुजीबुर रहमान थे प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, जल्दी जल्दी रन बनाए और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग भी सबसे अच्छी की। तो इन दोनों की बदौलत उनको मिला है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। तो उस अवार्ड की जो थी कि इन्होंने इतनी बढ़िया बॉलिंग की कि उन्होंने सब गिल्लियाँ ही उखाड़ दी वहाँ के, फिर चाहे वो जो रूट हो या फिर हैरी ब्रूक हो या क्रिस वोक्स हो, सबको उन्होंने आउट कर दिया। हालांकि राशिद खान ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करे, उन्होंने भी 3 विकेट लिए और कम रन दे के, लेकिन मुजीबुर रहमान की बैटिंग की बदौलत, जो बैटिंग की वजह से उन्होंने रन बढ़वाए थे उसकी बदौलत और बॉलिंग की बदौलत उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो इनकी तरफ से तो ये था, इंग्लैंड वाले तो मतलब बैटिंग कुछ पता नहीं क्या हो गया है। वर्ल्ड कप में ये फेवरेट थे, मुझे भी लग रहा था अच्छी टीम है यार ऐसा कैसे, लेकिन बिल्कुल ही मतलब चली गई लीचड़ हो गए बिल्कुल। आयरलैंड के अगेंस्ट मैच था इनका, इन्होंने 20 ओवर में 280 रन मारे थे, समझ रहे हो, 280 रन, वो भी ODI में। तो मुझे वो देख के लगा था इनको भैया कौन ही हरा पाएगा, अब मुझे लग रहा है इनको कौन ही जिता पाएगा, क्योंकि इनकी जो हालत चल रही है ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेकार खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि अगर उनके सामने कोई बेन स्टोक्स चिल्ला दे तो उनकी तो आते एकदम सुलग जाती होंगी, भाई खेल नहीं रहा और नाम बुला रहे। तो इनके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर बेन स्टोक्स का नाम पुकारोगे तो चीर देंगे। तो ऐसा इंग्लैंड वाले कहना चाह रहे हैं, मैंने उनकी जवान बता दी आपको क्या कहना चाह रहे हैं।
तो ये था उनकी बैटिंग का। और अफगानिस्तान के बॉलिंग कार्ड पे नज़र डाले तो मोहम्मद नबी 2 विकेट, मुजीबुर रहमान 3 विकेट, राशिद खान 3 विकेट, फजल अक फारूकी 1 विकेट और नवीन उलक 1 विकेट। नवीन उलक विराट कोहली की जिगरी यार है, तो अब मैंने सोच लिया कि अब मैं त्याग करके उनका रोस्ट करना बंद कर दूंगा, इसलिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई और जो जॉस बटलर को उन्होंने बोल्ड मारा वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर जॉस बटलर टिके रहते तो वो जिता सकते थे, वो तो आप भी जानते हो। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। फजल अक फारूकी का मुझे वो कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा, जॉनी बेस्टो मुझे तो लग रहा नॉट आउट था। आप बताइए कैसा आपको लगा, आउट था कि नॉट आउट था। तो इसी वीडियो में हम लोगों ने कितने कम टाइम में इतना बढ़िया हाईलाइट एकदम फनी वे में समझा दिया, तो मेरे जैसा होशियार आपको कहीं मिलेगा? अरे बाप ने बड़ा सोच समझ के मेरा नाम होशियार चंद रखा है। तो अगर मेरे जैसा होशियार नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। हम लोग का टारगेट 1.16 सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो जल्दी इसको कंप्लीट कर दो। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।